ठीक है, ठीक है साथियों, यहाँ पे प्रॉपर है, बराबर है, हमारा गला भी यहाँ पे मैच कर रहा है। सो हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब बड़े होंगे। स्वागत है हमारे आज की वीडियो और SMP पियानो कवर में। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर कर्मा सॉन्ग, क्या है, संदेशे आती है। ठीक है दोस्तों, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। इस गाने के माध्यम से आज हम पियानो बजाना सीखेंगे, हारमोनियम बजाना सीखेंगे। इसमें कौन सा राग, कौन सा थाट, कौन सा स्वर लगा हुआ है, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और एक एक चीज़ आपको नोटेशन के साथ हम बताते जाएंगे। और इसमें कौन सा स्वर है, कैसा है, वो चीज़ भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आपको मैं बताने वाला हूँ काली तीन यानी कि एफ शार्प से। ठीक है, तो आइए हम पहले आपको इसमें से नोटेशन बता देते हैं और इसका जो सात स्वर है, सात शुद्ध स्वर है, कोमल स्वर है और नी है, वो चीज़ हम यहाँ आपको बता देते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि ये सा है, ये ध है, ये नी है, ये प है। ठीक है साथियों, तो आइए पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये आरोह हो गया, अब इसका आरोह देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शुद्ध स्वर, एक दो तीन चार पाँच छः सात, लास्ट सात स्वर हो गया। कोमल स्वर देखिए, कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध, कोमल नी, चार स्वर हो गया। तीव्रमा पांच स्वर हो गया, सात पांच बारह स्वर कंप्लीट है हमारे इस काली तीन यानी कि एफ शार्प से। ठीक है साथियों, तो आइए अब हम चलते हैं डायरेक्ट गाना की ओर। ठीक है, तो गाने का म्यूजिक कैसे निकलता है वो चीज यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो गाने का म्यूजिक कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ठीक है, कौन सा स्वर लग रहा है देखिए, काली तीन से बजा रहे हैं हम। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग से। ठीक है, कौन सा, ग म ग प ग म ग प, चार स्वर हो रहा है, ग शुद्ध म शुद्ध ध शुद्ध प। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा है, मा, ध्यान से समझिए, गा रे शुद्ध गा और प। पहला लाइन है, पहला लाइन आपको बता दिए। दूसरा लाइन है, ठीक है, रे गा, रे गा, रे ठीक है। ठीक है, सा रे ग,
सा नी धा रे सा, देखिए सा नी धा, देखिए ठीक है। यहाँ से बराबर है जो स्वर है, जो लगा है, जो म्यूजिक है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये बराबर है, प्रॉपर तरीके से मैच कर रहा है। कौन कौन से स्वर लगा है वो भी हम आपको बता दिए, सा रे गा पहला, उसके बाद सा नी धा, सा नी धा रे सा, ये गाने का म्यूजिक है, कंप्लीट हो गया यहाँ से, फाइनल यहाँ से। अब आती है गाने का बोल, संदेश आते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है साथियों। यहाँ पे प्रॉपर है, बराबर है, हमारा गला भी यहाँ पे मैच कर रहा है। और तो ये कौन सा है, स्वर कौन सा है, पा पा ग रे सा, शुद्ध पा, शुद्ध गा, शुद्ध रे, ठीक है, पा पा ग रे सा, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, पा पा ग रे सा, पा पा ग रे सा। देखिए तीन स्वर ही लग रहे हैं पहले लाइन में जो है, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं। गाने की बोल देखिए कई है, गाने के बोल ऐसे बोले तो इसमें से कई गाने का उच्चारण हो रहा है और गाने में शब्द अनेकों है, जैसे संदेशे तीन वर्ड हो गया, आते हैं तीन वर्ड ये हो गया, संदेशे आते हैं, देखिए ये कितना वर्ड हो गया, टोटल छः वर्ड हो गया, देखिए संदेशे आते हैं, देखिए तो ये छः वर्ड है, छः वर्ड का कौन कौन से स्वर यूज हो रहा है, केवल तीन स्वर, वो कैसे देखिए, ठीक है, देखिए तीन ही स्वर यूज हो रहे हैं, तीन जो सुर है, एक तो ये तो हमारा शुद्ध पा है, शुद्ध गा और शुद्ध रे, छह शब्द है गाने का, लेकिन यूज हो रहा है कौन, तीन स्वर, केवल तीन ही स्वर, वो भी शुद्ध पा, शुद्ध गा, शुद्ध रे। देखिए गाने का बोल अनेकों हो, लेकिन गाने के हिसाब से जो लगने वाले सुर है वो कभी कभी दो ही होते हैं या तीन ही होते हैं, इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, ये वाली लाइन देख लेते हैं, सेम टू सेम है, प्रॉपर तरीके से यही छह, ठीक है, अब देखिए इसमें फिर से छह गाने का बोल हो गया, ठीक है, जो चिट्ठी आती है, ठीक है, यहाँ भी छह वर्ड हो गया, ध्यान से समझिए वीडियो, ध्यान पूर्वक देखिए तभी आपको समझ आएगा, स्किप करके वीडियो ना ही देखें, ठीक है, अगर स्किप करना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए नहीं है, छोड़ के चले जाइए, ठीक, जो चिट्ठी आती है, कितना वर्ड हो गया प्यारे साथियों, छह वर्ड हो गया, ठीक है, तो इसमें भी जो लग रहे हैं सुर है, जो इसमें जो लग रहे हैं नोटेशन है, वो केवल और केवल तीन ही स्वर है, कौन कौन से स्वर, शुद्ध पा, शुद्ध गा, शुद्ध रे, तीन स्वर लग रहे हैं मात्र, और गाने का जो बोल है वो वर्ड शब्द कितना है, छह शब्द है, छह शब्द का लगने वाला सुर तीन है, तो वो गाने पे डिपेंड करता है, ठीक है, गाने पे कितना हरकत हुई है, कितना लहर है गाने पे, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा इसमें सुर लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही आप कोई भी गाना जैसे प्ले करोगे इस हारमोनियम पे, पियानो पे, तो आपको गाने का लेंथ पहले समझ लेना है, ठीक है, गाने का लेंथ समझ लो, चार से पांच बार गाने पहले सुन लो अच्छे से, उसके बाद बजाने की
प्रेस्टी करो, रियाज करो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को स्पष्ट समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई। गाने का लेंथ ही डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा सुर और कौन से इसमें इसमें जो थाट है, राग है, अलंकार है, राग रागनी है, वो गाने का लेंथ ही तय करता है कि कौन सा लगने वाला है यहाँ पे, कौन सा फॉलो होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 6 गाने का बोल है लेकिन लगने वाले स्वर केवल 3 है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं डायरेक्ट गाने की अंतरा की ओर, ठीक है साथियों। यहाँ तक आप समझ आ गया है, यहाँ तक से आप कंठस्थ है, ठीक है। ला 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 ला, ठीक है, ये गाने का अंतरा है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इस गाने में कौन कौन से सुर लगे हैं देखे, ठीक है, ये गाने का अंतर है, ठीक है। एक दो तीन चार स्वर, चार स्वर है जो गाने का पहले म्यूजिक आया है, पहले मतलब स्टार्टिंग था तो यही था, पहले ग से ही स्टार्ट हुआ है और अंतर भी देखिए यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो कई कई ऐसे होते हैं जो गाने जहां से स्टार्ट होता है अंतर भी वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अगर गाने का बोल कभी ग है तो कभी ना कभी अंतर स से निकलेगा, और गाने का बोल अगर या म्यूजिक स से है तो कहीं ना कहीं गाने का अंतर ग से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाने का म्यूजिक फर्स्ट ग ही है निकलने का, ठीक है, और इसका जो अंतर है ग ही है, अंतर भी देखिए कैसे है, है ये भी ग म प और ध, ये सारे चार स्वर है, ये चार स्वर पूरे शुद्ध है, ठीक है साथियों। कौन सा है, रे है, ठीक है, शुद्ध रे, शुद्ध गा, शुद्ध सा, कौन सा है, शुद्ध गा, शुद्ध रे, शुद्ध सा, कौन सा है, गा रे और ये पा, ठीक है। हम इसको नहीं के बराबर ले रहे हैं, मतलब खालीपन यहाँ पे नहीं हो ऐसी कारण, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसलिए इस स्वर को लिए हैं। उसके बाद है, इस गाने में कौन सा है, तो साथियों इस गाने को देखिए ध्यान से समझिए, कौन सा है, ठीक है साथियों, सारे गा रे गा, ये कोमल गा है, ये शुद्ध गा है, ठीक है साथियों। ला 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 ला, ठीक है, लास्ट कौन सा ठहर रहा है हमारे सब पे ही इस गाने पे ठहर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये गाने का मेन अंतरा है, ठीक है। तो
तो यहाँ से आप लोगों को कौन सी नॉलेज मिली, कैसे मिली, और इस गाने के माध्यम से कोई भी गाना आप इसी तरीके से निकाल सकते हो, बजा सकते हो, ठीक है। जो ये अभी बताया हूँ ये गाने फिर से, और आगे जो अंतरा है सेम अंतरा जो और है, इसी स्वर, यही वाले जो स्वर है यूज़ होंगे, और जो गाने फर्स्ट में बजाए हैं, जो गाने का पहले बोल है, वो भी आगे के जितने भी आने वाले जो और है आगे वाले सामने पार्ट, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा। तो मैं आपको मेन जो पार्ट है नॉलेज के लिए बताया हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।